मटन खिचड़ा। मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका कोश किचन में। दोस्तों, आज कोश किचन में हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि अरब देश से भारत आई और भारत के बाद ये दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी पहुंची और सिर्फ इतनी ही कंट्रीज़ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसे शौक़ से बनाया जाता है, अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है और अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जी हम बात कर रहे हैं हलीम की। हलीम जिसे कि दलीम कहा जाता है, हरीस भी कहा जाता है और कई जगहों पर खिचड़ा भी कहा जाता है। और ख़ास तौर से इस हलीम को पाकिस्तान में, इंडिया के कई स्टेट्स में रमज़ान पे काफ़ी शौक़ से खाया और खिलाया जाता है और मुहर्रम के 10वें दिन भी इसको, खिचड़े को ज़रूर पकाया जाता है। तो चलिए आज यही देखते हैं कि आप हलीम यानी कि खिचड़ा घर पर किस तरह बना सकते हैं। खिचड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले गोश्त को मैरिनेट कर लेंगे। हम यहाँ गोश्त यानी मटन को मैरिनेट कर रहे हैं। मटन को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कुछ लोग बिल्कुल गला लेते हैं खिचड़े में मटन को, पर हमें गलाना नहीं है, थोड़ा सा साबुत रखना है क्योंकि मुझे लगता है उसका टेस्ट तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको एक बाउल में डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे ज़रा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी करीब 1/4 चम्मच, इसके अलावा हम लेंगे इसमें 1 चम्मच लहसुन, यानी कि 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है हमने। साथ ही हम लेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही हम ले रहे हैं 1 ही चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और इसके अलावा हम लेंगे लगभग 50 ग्राम फेंटी हुई दही। ये लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इस गोश्त को आधे घंटे तक मिलाकर हम रख देंगे और जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम दालों पर आते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर 6 तरह की दालें ली हैं। काली उड़द की छिलके वाली दाल है, 50 ग्राम अरहर की दाल है, 50 ग्राम काली मसूर की दाल है, 50 ग्राम मूंग की दाल है और लगभग 75 ग्राम चने की दाल ली है और 50 ग्राम हमने चावल लिया है। चने की दाल थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसलिए ली है क्योंकि उसका टेस्ट मुझे पसंद है, लेकिन अगर आपको ना ज़्यादा अच्छी लगती हो तो आप 50 ग्राम ही लें, पर चने की दाल ज़रूर शामिल करें। साथ ही मैंने बासमती चावल लिए हैं 50 ग्राम। काली मसूर को मैं पहले ही इसलिए उबाल रही हूँ क्योंकि काली मसूर गलने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। ये दाल मैंने धो ली है, अब इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर लिया है करीब 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच के करीब हल्दी। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए लेंगे क्योंकि हल्दी जो है, जौ जो है, वो हल्दी को सोखती है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता और अब फिलहाल इस दाल को हम उबालने के लिए रख देंगे। अब 3 बार मैंने इस दाल को अच्छी तरह से धो लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसे भिगो लिया है। जब तक हमारा जौ, हमारी काली मसूर की दाल उबल रही है, 2 सीटी आने के बाद अब हम इसमें बाकी की जो दालें थी वो डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच ही हम लेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 दालचीनी का स्टिक। अच्छी तरह से मिला लेंगे और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, जैसे कि हमें हो रही है, थोड़ा सा पानी भी ज़रूर डाल दें। अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे 2 सीटियों तक एक बार फिर से उबाल लेंगे और ये सारी चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। इसके बाद हमें इसे गोश्त के साथ पकाना है। इसे किनारे पर रखेंगे और गोश्त बनाना शुरू करेंगे। दाल और चावल उबल चुके हैं, अब हम मटन बनाने की तैयारी करते हैं। मटन बनाने के लिए
हम एक पॉट लेंगे और इसे हीट करेंगे। पॉट गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, कुछ मसाले और साथ ही साथ डालेंगे प्याज। अच्छा, हलीम बनाते वक्त कभी भी आप घी की कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि हलीम का टेस्ट ही घी की वजह से आता है। तो घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ते, साथ ही डालेंगे आधा चम्मच, हमने शाहजीरा लिया है इसको डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची है जिसे हल्का सा कूट लिया है हमने, 4 छोटी इलायची ली हैं, 4-5 ही हमने लौंग ली है, 10-12 दाने काली मिर्च के लिए हैं और 1 स्टिक दालचीनी के लिए है। जब ये जीरा, ये गरम मसाले तड़क जाएं, तो हम इसमें डालेंगे प्याज जो कि 1 मीडियम साइज का लिया है हमने और इसे बारीक छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज हम ज़्यादा यहाँ पर अभी तड़के के वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी से अगर हम गोश्त में, मटन में प्याज डाल देंगे तो वो थोड़ा सा हल्का मीठा हो जाएगा और बाद में हमें बहुत ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करने हैं, इसीलिए अभी हमने प्याज को थोड़ा ही लिया है। प्याज जैसे ही कच्चापन अपना छोड़ दे, हल्का लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए, तो आप इसमें ये मैरिनेट मटन डाल दें और तेज़ आंच पर इसे भूनना शुरू करें। अब इसमें हमने दही डाली थी, इस वजह से थोड़ा थोड़ा अपना पानी रिलीज़ करेगा, नमक हम डाल चुके थे इसमें, इस वजह से भी ये पानी रिलीज़ करेगा। थोड़ा सा इसे भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो हलीम है, जिसे हम खिचड़ा भी कहते हैं और दलीम भी कहते हैं, इसका जो शुरुआती नाम था वो था हरीस, और ये नाम दिया था इसे 10वीं शताब्दी में ही दरअसल इसका सबसे पहले जिक्र आया था एक रेसिपी बुक में। इस बुक के जो लेखक थे वो थे अबू मोहम्मद अल मुज़फ़र इब्न सैयाद, इन्होंने ही इस हलीम को हरीस नाम दिया था, और इनके द्वारा कई सारी रेसिपीज़ की बुक्स लिखी गई हैं और पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हैं। अच्छा, भारत में इसका जो तारुफ करवाया गया था वो था हैदराबाद के एक निज़ाम के अरेबियन सैनिकों के द्वारा, और इसका जिक्र, हलीम का जिक्र आप आईने अकबरी में भी देखेंगे, जिससे ये कहा जा सकता है कि 16वीं शताब्दी तक हलीम भारत आ गया था। गोश्त लगभग भुन चुका है, अब हम इसमें जो दूसरे मसाले हैं वो डालना शुरू करेंगे। हम इसमें लेंगे करीब 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, और इसे भूनेंगे। हलीम से जुड़ी एक ख़ास बात आपको और बता दूं कि हलीम में जौ का, गेहूं का इस्तेमाल होता है, पर आजकल ज़्यादातर जौ अवेलेबल नहीं होते। गांव देहात में अभी भी मिल जाता है आसानी से, लेकिन शहरों में थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि जौ का दलिया या गेहूं का दलिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आपको बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत भी नहीं है, दालों के साथ इकट्ठा बैठा कर आप उसे उबाल सकते हैं। और अगर आपको जो जौ की ज़रूरत हो, आपको लगे बिना जौ के मज़ा नहीं आ रहा है, जौ मिल भी नहीं रहा है, तो आपको करना यह है कि आप जितना आप जौ इस्तेमाल करने वाले थे उतना ही आप गेहूँ ले आए। जैसे कि हमने यहाँ पर 300 ग्राम जौ का इस्तेमाल किया है, आप 300 ग्राम गेहूँ लाएँ, रात भर उसे भिगो कर रखें, सुबह उसे हाथों से रगड़ के धो लें, ऊपर की जो उसकी स्किन होगी वो हट जाएगी और वो शक्ल में और टेस्ट में काफ़ी हद तक जौ की तरह ही लगेगा और आपको पूरा मज़ा देगा खिचड़े का। अब ये हो चुका है, अब इसमें हम मिलाएंगे हमारी उबली दालें और 3-4 सीटी तक प्रेशर कुक करेंगे। पहले दाल मिला लेते हैं। अच्छा, मैं आप देख सकते हैं ये जो दालें हैं
वो ज़्यादा गली नहीं है, सिर्फ 4 सीटियाँ लगाई थी हमने, और चने की दाल, काली मसूर की दाल, जौ, सब कुछ अधगला सा है। अभी ये जब हम मटन के साथ इसे पकाएंगे तो 3-4 सीटियाँ और लगा देंगे, जिसके बाद ये अच्छी तरह से गल जाएगा। अब इस मटन में हम ये जो उबली दालें हैं, चावल हैं, इसे मिला देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी, क्योंकि ये अभी इसकी सूरत वैसी है जिस तरह हमें खिचड़ा चाहिए, और अभी फ़िलहाल इसे और गलाना है तो थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। इतना पानी काफ़ी है। अब इसे 3-4 सीटी तक प्रेशर कुक कर लेंगे। अच्छा, ये जो हलीम है मैंने किसी कुछ अलग तरीके से पकाया है, ये पूरे भारत में अलग अलग तरीके से पकता है, और भारत में नहीं, पाकिस्तान में किसी और तरीके से पकता है, बांग्लादेश में किसी और तरीके से पकता है, पूरी दुनिया का ये फूड है, खासकर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें बनता ही बनता है, और सब जगह इसे अलग तरीके से पकाया जाता है। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो कि हमने तो कुछ और सुना था और ये हलीम कुछ और है। ये हलीम है, ये थोड़ा अलग तरह का हलीम है। तो अभी 4 सीटी तक इसे प्रेशर कुक करेंगे। जब तक हलीम इस तरफ हो रहा है, तब तक हम दूसरी तरफ हलीम यानी कि खिचड़े के लिए गरम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम साबुत धनिया लिया है, और 1 चम्मच से थोड़ा ही कम सौंफ ली है हमने। जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, 1 स्टिक दालचीनी के लिए है, 1 काली वाली मोटी इलायची और 2 छोटी हरी इलायची ली हैं, 5 से 6 लौंग ली हैं, और 10-15 दाने काली मिर्च के लिए हैं। इसे पैन में डालेंगे और गर्म कर लेंगे। गर्म मसाले से जब हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो हम आंच बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ये गरम मसाला फ्रेश हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी जो ताज़ी खुशबू होती है वो हलीम के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। गरम मसाला जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा गरम या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए ऐसा ना करें, हल्का सा गरम हो तभी इसे पीस लें, तभी इसकी खुशबू भी अच्छे से मिल सकेगी और यह अच्छे से पिस भी सकेगा। गरम मसाला तैयार हो चुका है और हमारे हलीम में 3 सीटियाँ भी आ गई हैं। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम एक और तड़के की तैयारी करते हैं। पैन गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे घी। यहाँ पर तड़के के लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे उनको बिल्कुल पतला पतला स्लाइस में काट लिया है। अब इसे डालेंगे आहिस्ता से घी में और इसे लगातार चलाते हुए लाल करेंगे। अब ये प्याज लगभग लाल हो चुका है, हम इसमें डालेंगे ज़रा से, लगभग 1 चम्मच अदरक जूलियन, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब खिचड़ा यानी कि हलीम दलीम जो भी आप कहते हों उसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। 3 सीटियों के बाद आप देख सकते हैं गोश्त जो है पूरी तरह से गल गया है। वजह ये भी हो सकती है कि इसके पीस जो थे वो थोड़े छोटे थे। अगर आपको लगता हो गोश्त ना गला हो 3 सीटियों पर भी, तो आप 1 या 2 सीटी से और दे सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएँगे जो गर्म मसाला हमने पीसा था वो, और 1/2 चम्मच फ्रेश गरम मसाला, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। मिलाएंगे, साथ ही मिलाएंगे प्याज। ये जो प्याज लाल हो गया था इसको इस गोश्त पे डालेंगे, साथ ही डालेंगे हरी मिर्च, मोटी वाली हरी मिर्च ली है हमने, और इसके अलावा लेंगे पुदीना, हरा धनिया। ये डालने के बाद
एक बार अच्छी तरह मिला लेंगे और सबसे आखिर में आप इसका नमक भी ज़रूर चेक करें। और आप देख सकते हैं ना ही सिर्फ इसकी शक्ल अच्छी लग रही है, इसकी खुशबू भी जो मैं महसूस कर सकती हूँ वो भी काफ़ी अच्छी सी आ रही है। अब इसे 5 मिनट या 10 मिनट ऐसे ही ढक कर रखेंगे और इसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। लीजिए, बनकर तैयार है गर्मा गर्म खिचड़ा, जिसे आप हलीम दलीम या हरीस के नाम से भी जानते होंगे। आज की ये ख़ास रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ आप आगे हमसे किस तरह की रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएँ। इसी के साथ ही कोश किचन में बस इतना ही।